ओके okay, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ़ टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू ये आपके दो कौस है तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पॉइंट फाइंड करना है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे दोनों को कंपेयर कर देते तो वाई

आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा इफ एक्स इक्व टू टू इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू टू पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में सपोज ईयर देन वी गेट वाई इक्व टू फोर एंड एक्स इक्व टू माइनस वन वी गेट वाई इज इक्वस टू वन दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा टू फोर एंड सेकेंड इज माइनस वन वन तो आपको मालूम है कि पैराबोला और लाइन ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट होंगे तो नाउ ग्राफ ड्रॉ करते हैं देखो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नाउ फर्स्ट पैराबोला ड्रॉ करते हैं एक्स इक्वल टू वाई यानी अबाउट वाई एक्सिस ओके इस तरीके से आपको यहां पे पैराबोला मिलेगा तो यहां से आपको ऐसा पैराबोला मिल गया अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स एक लाइन ड्रो करनी है टू फोर और माइनस वन वन तो माइनस वन वन जो पॉइंट होगा देखो आप जानते हो स्टूडेंट्स वो ऐसा नीचे ही रहेगा ऐसे माइनस वन वन ओके दिस पॉइंट इज माइनस वन वन एंड टू फोर थो थोड़ी हाइट पे होगा दैट इज टू फोर हियर अप्रॉक्सीमेट नाउ ज्वाइन कर देते दोनों लाइन को तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन मिल गई वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू लाइन तो दोनों के इंटीरियर पार्ट्स आप देख सकते हो यहाँ पर इंटीरियर पार्ट्स है ये पार्ट्स आपको मिलेगा ओके रीजन तो ये एरिया आपको क्या करना है फाइंड करना है तो ये रीजन मिल गया रीजन का एरिया फाइंड करना है तो आप देख सकते हो बाउंड्री उसकी तो किसके बीच में होगा तो यहाँ पे आपको दो लाइन मिलेगी एक लाइन आपके पास है दिस इज द एक्स इक्वस टू माइनस वन लाइन ओके एंड सेकेंड इज एक्स इक्व टू टू लाइन तो जो रीजन है रेड कलर पोर्शन से सेडेट किया हुआ है वो रीजन आप देख सकते हो ये दो लिमिट्स मिल गई उसकी एक्स इक्व टू माइनस वन एंड दिस लाइन इज एक्स इक्व टू टू तो इसके बीच में ये वाला जो रीजन है वो आपको मिलेगा तो एरिया फाइंड करना है तो रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्व टू बिटवीन माइनस वन टू टू और कैसे बन रहा है तो कौ एंड लाइन के इंटरसेक्शन से यानी दोनों का सब करना होगा तो फर्स्ट हम लाइन माइनस पैराबोला करें अदरवाइज पैराबोला माइनस लाइन दोनों में आंसर सेम आएगा तो नाव हियर एक्स प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई को यहाँ पर सब कर दोनों के Y1 Y2 की वैल्यू पुट कर दी ओके अब आप पे सेल्फ ट्राई कर सकते हो आप देखोगे यहाँ पर इंटीग्रेशन करो एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू ओके टू का होगा टू एक्स एंड माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री और लिमिट अप्लाई कर दो तो आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा आंसर अगर नेगेटिव आए तो आपको क्या करना है पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है बट इन दिस केस आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन इज फाइंड द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द काउ आपके पास जो काउ है ओके okay, उसका आ, ये जो काउ है मोड एक्स प्लस मोड वाई यानी स्ट्रेट लाइन ही है ओके okay? तो यहां पर है तो हमको प्लस और माइनस वन लिख सकते हैं अदरवाइज यहां पे हिंट है पर एग्जाम में हिंट नहीं होगी याद रखना ओके okay? तो आपके पास काउ का इक्वेशन है मॉड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वस टू वन तो यहां से आप मॉड्यूलस uh, वैल्यू यानी प्लस और माइनस एक्स लिख सकते हैं यानी दोनों पॉजिटिव इज इक्वस टू वन इज इक्वेशन नंबर वन एक्स माइनस वाई इज इक्व टू वन इक्वेशन नंबर टू माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्व टू वन इक्वेशन नंबर थ्री माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वस टू वन इक्वेशन नंबर तो आपके पास यहाँ पे चार इक्वेशन मिले वन बाय वन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे और आपको वहां से ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो तो सॉल्व द इक्वेशन सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू ओके तो वन एंड टू को फोकस करो आप डायरेक्ट रफ में भी सॉल्व करके लिख सकते हो अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ से देख के भी सॉल्व कर सकते हो वाई वाई कट हो जाएगा टू एक्स इक्वल टू टू दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट इज वन एक्स कोऑर्डिनेट वन दैट इज वाई इज जीरो सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू, वी गेट इंटरसेक्शन पॉइंट वन जीरो ओके? नाउ सॉल्व इक्वेशन नंबर अब वन एंड थ्री पुट करो ओके तो वन एंड थ्री पुट करते वन एंड थ्री को सॉल्व करते वी गेट आपको इंटरसेक्शन पॉइंट वन एंड थ्री में एक्स एक्स कट हो जाएगा टू वाईक्वल टू टू दैट इज वाई इज इक्वल टू वन वाईक्वल टू वन को भी एक इक्वेशन में पुट करो एक्स इज जीरो नाउ नेक्स्ट सॉल्व इक्वेशन नंबर वन एंड फोर अगर मैं वन एंड फोर सॉल्व करने गया तो ध्यान से देखो कि दोनों का स्लोप सेम होगा स्लोप सेम है ओके अदरवाइज माइनस को अंदर मल्टी कर दो तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन अदरवाइज दोनों कट हो जाते हैं तो उसका मतलब ये हो कि दोनों लाइन पैरेलल है ओके okay? तो वन एंड फोर आप सॉल्व नहीं कर सकते नाउ नेक्स्ट तो हम सेकेंड एंड सेकेंड एंड फोर्थ को सॉल्व करते हैं सेकेंड एंड फोर्थ वी गेट सेकेंड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे एक्स एक्स तो आपको यहां पर मिलेगा सेकेंड में पुट करो माइनस वन यानी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो सेम सिचुएशन देखो स्टूडेंट सॉल्व इक्वेशन नंबर ओके थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करते हैं थ्री एंड फोर वी गेट तो यहाँ से आप देख सकते हो वाई वाई कट हो जाएगा माइनस टू एक्स इक्व टू टू दैट इज एक्स इज माइनस वन एंड वाई कोऑर्डिनेट जीरो तो चारों पॉइंट आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए यानी दो दो लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वहां से आपको पहले उतने ही डिस्टेंस की जरूरत है तो हम यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं देखो ये वन जीरो फिर ये वन जीरो और जीरो वन सेम हेयर और ही आपको यहाँ पे चार पॉइंट मिले ये पॉइंट होगा आपका वन जीरो पॉइंट इज जीरो वन जीरो वन. इस माइनस वन जीरो एंड दिस पॉइंट इज जीरो कॉमा माइनस वन ओके तो ये होगा जीरो कॉमा माइनस वन अब ध्यान से देखो तो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन वन जीरो तो वन जीरो आपके पास है ओके okay? और वन जीरो एंड जीरो वन फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड थ्री तो यहाँ से आपको एक लाइन मिलेगी फोर लाइन है आपके पास तो वन जीरो और जीरो वन को सेटिस्फाई करे ऐसी लाइन कौन सी है फर्स्ट कॉमन लाइन ये तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन तो ये लाइन होगी ऐसे चारों की चारों लाइन हम पहले ड्रॉ कर देते हैं फिर नोटेशन वहां पर नेम दे देते हैं उसको उसका जो लाइन का इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं तो यहाँ से आपको इक्वेशन

ओके okay, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वस टू वन और उसको पैरेलल जो लाइन है वो लाइन होगी आपके पास सेकेंड लाइन एक्स माइनस वाई इक्व टू वन तो इससे जो फिगर बन रही है आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहां पर ये जो फिगर बनेगा वो स्क्वायर फिगर है ओके okay? और ये रीजन आपको क्या करना है यहाँ पर फाइन करना है तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये रीजन फाइन करना है आपको टोटल पूरा एरिया फाइन करना है ये रीजन आपको फाइंड करना है बट आप क्या करोगे यहां पे फिगर में ध्यान से देखो फिगर तो में अगर आप यहां पर ये जो फर्स्ट में दिख रहा है ओके okay, ये रीजन फाइंड करके उसका टाइम्स कर दोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा ओके okay? तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वस टू फोर टाइम्स तो लिमिट क्या मिलेगी तो लिमिट आप देखो यहां पर ये आपकी लिमिट होगी दिस लाइन इज एक्स इक्व टू वन लाइन और इस लाइन इज इक्वल इक्व एक्स इक्वन और तो जीरो। जीरो तो अब देख तो ये जो रीजन मिल रहा है आपको बिटवीन कहाँ है टू तो और किससे लाइन से ही बन रहा है ना ये रही लाइन आपके पास ये लाइन से बनता है तो उसमें क्या होगा वाई डी एक्स यानी वन माइनस एक्स सब्जेक्ट बना दो ओके डी एक्स तो इंटीग्रेशन करोगे तो फोर एज इट इज वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स स्क् टू लिमिट अप्लाई करो so, आप जीरो आपको मिल गया स्टूडेंट ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आए तो आप देख सकते हो ये डिस्टेंस आपके पास वन है ये डिस्टेंस भी वन है ओके okay, तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड करोगे तो आपको वन बाई टू मिलेगा ये एक रीजन उसका फोर टाइम्स कर दो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इन टू सेम देखो कर दिया तो भी आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है एमसीक्यू में अगर आए तो, तो ये डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा टू ये डिस्टेंस यहाँ पर टू 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 या फोर वन बाई टू आगे यानी ये रीजन आपको मिलेगा टू ओके okay, तो यानी उसका फोर टाइम्स यानी आपको एट मिलेगा यानी इन शॉर्ट आपको अब आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो ओके okay, अगर एमसीक्यू में हो तो थियोरिटिकल है तो आपको ऐसे रिटर्न वर्क में लिखना होगा नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द का इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी पैराबोला है एंड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स यानी प्लस और माइनस लिख सकते हो यानी स्ट्रेट लाइन लाइन का इक्वेशन हुआ तो दोनों को यहां पर हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना ये ग्रेटर देन और इक्वल टू को इक्वल टू एज्यूम करके हम यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे ओके फर्स्ट वी फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कौन क्या होगा कंपेयर करोगे तो एक्सक्वायर इज इक्व टू क्या हो जाएगा मॉड्युलस एक्स मीन्स एक्सक्वायर इज इक्व टू प्लस और माइनस एक्स यहाँ पे आपको दो कंडीशन मिली एक्सक्वायर इक्व टू एक्स और एक्सक्वायर इज इक्व टू माइनस एक्स ओके तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं एक्सक्वायर माइनस एक्स इज इक्वस टू जीरो एक्स कॉमन एक्स माइनस वन इज इक्वस टू जीरो दैट इज एक्स इक्व टू जीरो और एक्स इज इक्वस टू वन

and x is equals to minus one, we get also the one because here y is greater than or equal to x square x की value minus one put करोगे यहाँ पे आपको जो दिया है को greater than or equal to यानी आपको equal to assume करके जाना है तो आपको यहाँ से intersection point मिल गए तो ये तीन point में से ये parabola और ये होगा modulus function यानी v shape और parabola आपको मिलेगा तो यहाँ पर हम figure draw करते हैं पहले तो देखो आपके पास ऑलरेडी तीन पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट में से पास होता आपको पैराबोला और मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ ड्रो करना है हियर फर्स्ट पैराबोला ड्रो करते हैं यहां पर दिस इज ओके नाउ नेक्स्ट मॉड्यूलस फंक्शन यानी वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स देखो ये होगा आपका वाई इक्वल टू एक्स लाइन एग्जैक्टली मिडल में से ऐसे पास होगा ओके okay? और दूसरी लाइन होगी वाई इक्वल टू माइनस एक्स यानी ऐसे तो यहां पे आप देखोगे तो ये लाइन मिलेगी आपको वाई इक्वल टू एक्स लाइन ये लाइन होगी वाई इक्वल टू माइनस एक्स एंड पैराबोलाइज वाईज टू एक्स स्क्वायर नौ वाई की वैल्यू से पॉजिटिव यानी ऊपर का जो पोर्शन है वो आपको मिलने वाला है रीजन आप देखोगे तो रीजन आपको मिलेगा यहाँ पर ये रीजन ओके तो ये रीजन आपको यहाँ पर फाइंड करना है यानी दोनों सिमेट्री के यानी इक्वल है तो यानी एक फाइंड करके आपको क्या कर देना है उसका डबल करोगे तो आपको रीजन यानी एरिया मिल जाएगा तो आप देख सकते हो लिमिट यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास क्या था तो फर्स्ट था जीरो जीरो सेकेंड था वन वन एंड अनदर इज माइनस वन वन तो आप यहां पर ये जो लाइन है आपके पास ओके okay, ये लाइन होगी क्या एक्स इक्व एक्स इक्व टू वन लाइन और ये लाइन होगी आपके पास एक्स इक्व टू जीरो लाइन एक्स इक्व टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन के बीच में ये रीजन है आपके पास देखो स्टूडेंट्स ये हम फाइन कर रहे और उसका क्या कर देंगे डबल तो आपको क्या मिल जाएगा टोटली रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा तो एरिया इज इक्वल टू बिटवीन डबल करेंगे पहले तो जीरो टू वन और दोनों को के से मिलेगा तो दोनों में वाई को सब्जेक्ट बनाओ दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हम यहाँ पर ये लाइन ले रहे हैं स्टूडेंट्स और ये लाइन का इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स यानी एक्स सब्ट्रेक होगा तो बहुत ईजी हो गया देखो टू कॉन्स्टेंट एज इट इज एक्स क्यूब बाई थ्री

एरिया uh, मिलेगा वो कितना होगा वन बाई थ्री स्क्वायर यूनिट नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्टीन स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी सेम डिटो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज एक्सरसाइज एट पॉइंट टू एग्जाम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आपके पास है यहां पर फोर ओके सेम थ्री वर्टेक्स दिए आपको और वहां पे आपको क्या करना है एरिया uh, फाइंड करना है अगर एम में क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट से एरिया फाइंड कर दो और हाफ कर दो आंसर मिल जाएगा टू जीरो सपोज टू जीरो हेयर फोर फाइव हेयर एंड सिक्स थ्री हेयर तो ऐसे आपको ट्राइंगल मिलेगा इसका एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट्स मैंने एक्सप्लेन किया था उसी मेथड से पहले यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रो कर देंगे तो पहले हम ये ए बी लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे तो ये पूरा रीजन मिलेगा फिर बीसी लाइन का रीजन फाइन करेंगे ये पूरा मिलेगा फिर एसी लाइन का जब हम फाइन करेंगे तो आपको ये नीचे वाला रीजन मिलेगा यानी दोनों के एडिशन में से ये ग्रीन वाला पोर्शन आपको क्या कर देना है कट कर देना है ओके सेम डिटो एग्जांपल से खाली कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए ओके okay? आपको ये सेल ट्राई करना है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फोर्टीन सेम एक्सरसाइज एक्सरसाइज एट पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर है इंटरसेक्शन तो पॉइंट तो मिले पॉइंट मिल गए जैसा हो गया ओके okay? फिर आपको ट्राइंगल का रीजियन फाइन करना है तो ये भी आपको नौ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एरिया रीजन और इक्वल टू फोर एक्स एंड फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन यानी आप देख सकते हो ये पैराबोला का इक्वेशन है और ये हुआ सर्कल का इक्वेशन ओके फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे For the intersection point, intersection point of, क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन बाई फोर लिख सकते हो यहाँ पे फोर से डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी सेंटर जीरो जीरो हुआ रेडियस थ्री बाई टू एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स तो ये दोनों को सॉल्व करना है तो हम वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन बाई फोर वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू नाइन बाई फोर एल्सियम ले लो फोर एक्स स्क्वायर फोर फोर जा सिक्सटीन एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो अब फैक्टर निकालेंगे नाइन फोर जा थर्टी सिक्स के फैक्टर से सेन आए तो एटीन टू जा फोर एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स माइनस टू एक्स माइनस नाइन इज इक्वस टू जीरो यहाँ से कॉमन निकलेगा टू एक्स तो टू एक्स प्लस नाइन माइनस वन कॉमन या सेकेंड ब्रैकेट इज टू एक्स प्लस नाइन इज इक्वस टू जीरो दैट इज द फैक्टर आर टू एक्स प्लस नाइन एंड सेकेंड फैक्टर आर टू एक्स माइनस वन इज इक्वस टू जीरो ओके नाउ तो फर्स्ट फैक्टर टू एक्स प्लस नाइन इज इक्वस टू जीरो और

तो ये नॉट पॉसिबल ओके तो x की वैल्यू माइनस नाइन बाई टू पॉसिबल नहीं है इफ x इज इक्वल टू वन बाई टू इम्लाइस तो वाई स्क्त एक्स एक्स की जगह पर परिगेट टू y इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी प्लस और माइनस रूट टू तो इंटरसेक्शन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट आपको क्या मिलेंगे फर्स्ट वन बाई टू एंड रूट टू एंड अनदर फैक्टर इज वन बाई टू एंड माइनस रूट टू ठीक है तो आपको दोनों दोनों हो रहे वो पॉइंट मिल गए तो अब हम यहाँ पर करते इसका तो हमारे पास सर्कल है ओके सर्कल एंड पैराबोला दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इंटरसेकट करते हैं तो यह, यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो देखो नेक्स्ट Now, तो ये आपके पास फिगर हो गई एक सर्कल का इक्वेशन हैविंग सेंटर इज जीरो जीरो एंड रेडियस इज ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा थ्री बाई टू जीरो ओके रेडियस है इसीलिए अब आपको यहाँ पे एक पैराबोला ड्रॉ करना है देखो स्टूडेंट्स तो पैराबोला का जो इक्वेशन है वाइस को टू फोर एक्स यानी अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक होगा ओके तो यहां से हम ऐसे एक पैराबोला ड्रो करते हैं ओके तो ये हो गया आपके पास यहां पर क हो गया पैराबोला अब दोनों से जो रिक्वायर्ड रीजन बन रहा है वो देखो स्टूडेंट्स यहां पर ये जो रीजन है नीचे का पार्ट भी आएगा सेम स्टूडेंट्स ऐसे ये रीजन ये रीजन भी इंक्लूड होगा आपको यहाँ से ये रीजन मिल जाएगा ओके ये रीजन आपको फाइंड करना है एरिया इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास है देखो ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट एंड इट्स कोऑर्डिनेट आर वन बाई टू एंड रूट टू ओके तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नीचे थोड़ा ओके तो ये होगा वन बाई टू एंड रूट टू और ये जो पॉइंट होगा वो होगा वन बाई टू एंड माइनस रूट टू ओके okay, अब हम यहां से दोनों में से पास होती एक लाइन रो करेंगे तो ये रीजन आप देख सकते हो ये लाइन होगी वाई इक्व टू रूट टू लाइन और यहां पर ये लाइन होगी वाई इक्व टू माइनस रूट टू लाइन ओके तो ये हुआ वाई इक्वल टू रूट टू और ये वाई इक्वल टू माइनस रूट टू तो रिक्वायर्ड जो रीजियन है देखो बिटवीन माइनस रूट टू टू रूट टू बट दिसन इज इज़ जीरो मींस आप क्या करोगे स्टूडेंट्स देखो आप ये जो रीजन है फर्स्ट क्वार्टर में okay, यहाँ पर मैं लाइन कर रहा हूँ तो ये रीजन जो आपको मिल रहा है उसका आप डबल कर दोगे तो भी चलेगा यानी जीरो टू रूट टू में करके आपको क्या करना है यहाँ पर डबल कर देना है ओके okay, तो ये रीजियन है आपके पास ओके okay, इसका एरिया हम फाइन करेंगे 0 टू रूट क्योंकि वैल्यूज पुट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा आप माइनस रूट टू से रूट टू लिमिट लोगे तो भी आएगा ओके okay? बट दोनों वैल्यूज पुट करनी होगी बट जीरो पुट करने में थोड़ा इजी रहेगा यानी जीरो टू रूट टू फाइन वैल्यूज वो लिमिट लेंगे हम और फिर रीजन फाइंड करके डबल कर देंगे ओके okay? तो नाउ लेस देन और इक्वल टू यानी इंटीरियर पार्ट ये हुआ बाकी एक्सटीरियर पार्ट भी है जिसमें सर्कल भी है और ये पैराबोला भी इंक्लूड हो रहा है बट लेस देन वैल्यू थ्री बाय टू से लेस यानी ये जो वैल्यूज है वो आपके रीजन में आएगी नाउ अब हम यहां पर एरिया फाइंड करते हैं देखो तो रिक्वायर्ड एरिया नेक्स्ट पॉइंट रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वस टू क्या होगा स्टूडेंट्स देखो यहां पर लिमिट क्या ले, लेंगे हम तो डबल करेंगे लिमिट होगी जीरो टू रूट टू और दोनों में आपको सब्जेक्ट बनाना होगा तो देखो सर्कल को सब्जेक्ट बनाएंगे एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू नाइन बाई फोर तो अंडर रूट नाइन बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ नाइन फोर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सेकेंड होगा आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स तो एक्स को वाई को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या आएगा ओके वाई की लिमिट है ओके okay? तो वाई की लिमिट है यानी एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे वाई स्क्वायर बाय फोर तो ये होगा आपका वाई वन माइनस वाई टू टी एक्स अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है ओके okay? तो नाउ इंटीग्रेशन करते हैं टू एज इट इज ओके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स बाई टू दैट इज वाई बाय टू अंडर रूट ऑफ नाइन बाय फोर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू नाइन बाई फोर इंटू टू ओके एंड साइन इनवर्स वाई बाय थ्री बाय टू ओके एक्स बाय ए मीन्स वाई बाय टू माइनस वन बाय फोर कॉन्स्टेंट एंड वाई स्क्वायर का होगा वाई क्यूब बाय थ्री और लिमिट अप्लाई करोगे जीरो टू रूट टू और ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई अपने यहाँ पे डेरिवेशन किया है तो हम लिखेंगे नाउ नेक्स्ट अब सिंप्लीफाई करते हैं देखो स्टूडेंट्स यहां पर इट इज़ पहले फर्स्ट अप्लाई करो तो रूट टू बाई टू और अंडर रूट ऑफ नाइन बाई फोर माइनस रूट टू स्क्वायर दू प्लस नाइन बाई एट एज इट इज साइन इनवर्स डिनोमीटर का डिनोमीटर में ये मल्टीमे जीरो हो जाएगा, साइन इनवर्स जीरो जीरो मल्टीमे न्यूमोरेटर में, में दैट इज जीरो तो जीरो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है टू अंदर मल्टी करते हैं और सिंप्लीफाई करते देते हैं ये रूट टू ओके ये टू टू कट हो जाएगा ओके नाउ नेक्स्ट अंडर रूट क्या रहेगा नाइन माइनस एट बाय फोर प्लस नाइन बाई एट टू मल्टी करो दैट इज नाइन बाई फोर साइन इनवर्स टू रूट टू अपॉन थ्री माइनस टू अंदर मल्टी करोगे तो न्यूमरेटर में टू है फोर हो जाएगा डिनोमीटर में फोर कैंसल यानी रूट टू बाई थ्री ओके नाउ अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं रूट टू इन टू वन बाय टू यानी रूट टू बाय टू ओके वन बाई फोर होगा रूट टू बाई टू नाइन बाय फोर इंटू साइन इनवर्स टू रूट टू अपॉन थ्री माइनस रूट टू बाय थ्री ये दोनों देखो लाइक टर्म्स है ओके यानी नंबर्स है तो दोनों का सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम क्या आएगा सिक्स और थ्री रूट टू में से रूट टू जाएगा यानी रूट टू प्लस नाइन बाय फोर साइन इनवर्स टू रूट टू बाय थ्री अब आप आगे देखोगे तो आगे कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है ओके तो ये आपका आंसर हो गया स्क्वायर यूनिट बट स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो आंसर मिला टेक्स्ट में पीछे आंसर ये नहीं दिया ओके बट अपना आंसर करेक्ट है ओके अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि इसका एरिया ये पर्टिकुलर आंसर दे दिया हो कि ये प्रूव करो तो हमको वो फॉर्मेट में लाना है बाकी आंसर है अब देखो वो पैटर्न में हमको लाने के लिए क्या करना होगा तो देखो मैं टैक्स के जो आंसर है उसके रिलेटेड मैं सेट कर रहा हूँ इसको आगे कंटिन्यूस करते हैं जनरली ये है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है ओके नाइन बाई फोर साइन इनवर्स को आप लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री सेकेंड नंबर चैप्टर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज पाई बाई टू अंदर मल्टी करो रूट टू बाई सिक्स प्लस नाइन पाई बाई एट माइनस नाइन बाई फोर कॉस इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री ना नेक्स्ट अब हम कॉस इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री है उसको हम पाइथागोरस में कन्वर्ट करके साइन इनवर्स में सॉल्व कर, करते हैं तो देखो ये आपके पास ट्राइंगल के एंगल कॉस की वैल्यू टू रूट टू और ये थ्री तो नाइन माइनस एट स्क्वायर करोगे तो वन होगा और ये वैल्यू मिलेगी आपको वन तो यहाँ से आपको साइन इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो वन बाय थ्री मिलेगा ओके तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा अब ये स्टेप के बाद ओके तो देखो क्या होगा कि रूट टू बाई सिक्स प्लस नाइन पाई बाई एट माइनस नाइन बाय फोर ओके और ये होगा साइन इनवर्स वन बाय थ्री यहां पे नीचे डिनोमीटर में सिक्स है तो टू इंटू थ्री लिख सकते हो तो यानी रूट टू कट हो तो जाएगा यानी थ्री रूट टू ओके नाइन पाई बाई एट माइनस नाइन बाय फोर साइन इनवर्स वन बाय थ्री तो स्टूडेंट्स टेक्स्ट में पीछे ये आंसर दिया इसीलिए हमने अरेंज किया बाकी ये स्टेप्स भी आपका करेक्ट है और जनरली क्वेश्चंस में आगे भी क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें हम रेसनलाइज नहीं रखते और यहाँ पे यहाँ पे रूट टू आई रेशनल नंबर ओके okay? तो यानी देखने जाए तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है रूट टू मल्टीकलर यानी ये फॉर्म होना चाहिए बट यहाँ पर टेक्स्ट में पीछे आंसर ये दिया है तो हमने ये सॉल्व कर दिया बट ये फर्स्ट जो सॉल्व किया वहाँ तक भी आंसर करेक्ट था ओके okay? नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ओके सेम डिट्टो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को पहले फिर से फोकस करते हैं कि यहाँ पर आपको ये रीजन मिला था अगर आपको एक्सटीरियर रीजन बोले तो सेम क्वेश्चन सोल्व करना है सेम मेथड से और फिर पूरे सर्कल पाईआर स्क्वायर पूरा सर्कल पाईआर स्क्वायर में से जो रिक्वायर अभी मिला ओके okay, वो हम क्या कर देंगे कट कर देंगे ओके okay, तो सेम ऐसा एक क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ ट्राई करना है एमसीक्यू में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर एटीन आप देख सकते हो यहाँ पे सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन और कौ है आपके पास वाई 6x एक्स तो दोनों के एक्सटीरियर पार्ट का फाइंड करना है यानी अपने जब सॉल्व करेंगे तो ये सर्कल है आपके पास ओके और पैराबोला ये रहा और उससे आपको क्या फाइंड करना है ये एक्सटीरियर पार्ट का रीजन फाइंड करना है तो फर्स्ट आप क्या करोगे स्टूडेंट्स इंटीरियर पार्ट ही फाइंड कर दो तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये लाइन होगी वाई इक्वल टू जीरो मिल गया आपको ओके और फिर पाई आर में से ओके ये जो इंटीरियर पार्ट्स है ये ओके तो उसकी वैल्यू आप क्या करोगे यानी स्मॉलर पार्ट एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट जो है वो आप क्या कर दोगे यहाँ पर कट कर दोगे तो आपको एक्सटीरियर पार्ट का रीजन मिल जाएगा ओके okay? तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके नेक्स्ट रिवर्स वापिस कंटिन्यूस करते हैं सिक्सटीन नंबर का क्वेश्चन ओके एम सी क्यू बहुत ही सिंपलेस्ट सिंपल क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं देखो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब तो फर्स्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे आता है ओके okay? तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब हम पहले तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे y equal to x cube जो ग्राफ होता है वो ऐसे कुछ होता है ओके फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में से ऐसे पास होगा अब आपको बोला है कि x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्व माइनस टू एंड x इक्व टू वन देखो दिस लाइन इज इक्वल टू एक्स इक्व टू वन लाइन एक्स इक्व टू वन लाइन एंड सेकेंड इज एक्स इक्व टू माइनस टू लाइन तो वो थोड़ा डिस्टेंस होगा उसका तो ये लाइन होगी एक्स इक्व टू माइनस टू लाइन एक्स इक्व टू वन एक्स इक्व टू माइनस टू एंड एक्स इज दैट इज एक्स इक्व टू जीरो तो रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा देखो स्टूडेंट्स तो रीजियन जो आपको मिलने वाला है यहाँ पर तो so रीजन कुछ ये होगा ओके okay? ये जो वाला रीजन है वो दिस इज नॉट ए ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज है यहाँ पर तो सेम यहाँ पर भी आपके पास ये रीजन मिलेगा आपको ओके तो ये आपको रीजन यहाँ से मिलेगा ये दोनों रीजन आपको फाइंड करना है देखो स्टूडेंट्स हम एक साथ में नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ये जो सेकंड ग्रेटर एरिया वाला रीजन है ये इसकी वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी ओके यानी फर्स्ट इसको पॉजिटिव करना है फिर इसकी वैल्यूज भी फाइंड करेंगे दोनों का एडिशन कर देंगे ओके अदरवाइज कंबाइन करना है तो मॉड्युलस अप्लाई करना होगा अदरवाइज आई वन एंड आई टू दोनों सोल्व कर दो तो पहले मैं आई वन सोल्व कर रहा हूँ तो आई वन क्या होगा बिटवीन माइनस टू टू जीरो और कौ क्या है आपके पास एक्स क्यूब डी एक्स ओके तो नॉल्व करते हैं लिमिट आपके पास माइनस टू टू जीरो ओके तो जीरो अप्लाई करोगे तो न्यू फर्स्ट जीरो माइनस माइनस टू रिज टू फोर सिक्सटीन बाई फोर दैट इज फोर वी गेट माइनस फोर बट मॉड्यूलस करना होगा तो आई वन आपको क्या मिलेगा आई वन मॉड्यूलस करना है तो फोर स्क्वायर यूनिट ओके चलो नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे I2. तो I2 जो okay? तो जो रीजन है ओके वो बिटवीन जीरो टू वन आप देख सकते हो ये रीजन जीरो टू वन के बीच में और वाई यानी एक्स क्यूब डीएक्स एक्स क्यूब मीन एक्स रेस टू फोर बाय फोर लिमिट जीरो टू का रीजन आपको ये मिला नाउ आपको फाइंड करना है आई आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आपको दिख रहा है टोटल रीजन okay, आपके पास है 17 by 4, okay, तो option है आपके पास डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेवनटीन तो सेवनटीन नंबर में कौ है आपके पास वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इम्प्लाइज तो कौ क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्स इज लेस देन जीरो वी गेट वाई इज इक्वल टू एक्स दैट इज वाई इज ओके आपको दोनों कौ मिले यानी एक्स पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एक्स स्क् पैराबोला ये भी पैराबोला बट हाफ पैराबोला होगा देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फिगर ड्रो कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडिया नहीं आएगा कि कैसे उसका फिगर ड्रो करना है पूरा आपको कर्व ड्रॉ नहीं करना है पैराबोला का ओके क्योंकि यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है तो ही वाई स्क्वायर मिल रहा है तो ना देखो अब हम ड्रो कर रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव यानी ये साइड वाली सब वैल्यूज उसके लिए वाईक्वस टू एक्स स्क्वायर तो यानी ये कर्व मिलेगा इस साइड ऐसे कौ नहीं जाएगा क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो आपको जो कौ मिल रहा है वो डाउन मिल रहा है ऐसा ओके यानी उसके लिए ऐसे मिलने वाला था बरबर और अपर के लिए ऐसे मिलने वाला था बट ये यहाँ पे नहीं जाएगा और ये एक्स पॉजिटिव नहीं आएगा तो वो दोनों एलिमिनेट हो गए कट हो गए तो आपका जो जो कौ मिला तो हाफ पैराबोला ऊपर और हाफ पैराबोला नीचे ओके अब आपके पास लाइन एक्स इक्व टू माइनस वन एन एक्स इक्वस टू वन तो हम लाइन ट्रो करते हैं दिस लाइन एक्स इक्व टू सेम हियर एक्स इक्व टू माइनस वन लाइन तो आप देख सकते हो फिगर में एक्स इक्व टू वन एंड एक्स इक्व टू माइनस वन लाइन और एक्जेक्टली exactly मिडल में एक्स इक्व टू जीरो तो जो रीजन मिल रहा है आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर वो रीजन आपको यहाँ पर जो मिल रहा है दोनों सेम रीजन होगा तो आपके पास यहाँ पर एक रीजन दूसरा रीजन यहाँ पर ओके और दोनों रीजन सेम होगा ओके okay, एक का फाइन करके आप क्या कर दो यहां पर डबल कर सकते हो ओके okay? तो हम यहाँ पर जीरो टू वन ये आई वन ये रीजन आई वन और ये आई टू है सपोज तो आई वन फाइन करके हम डबल भी कर सकते हो तो यानी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू सेकेंड नीचे वाले का आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा ओके okay? यानी उसको पॉजिटिव करना होगा तो बेटर होगा हम ये ऊपर वाला जो रीजन है उसको फाइन करके डबल कर देंगे ओके okay, क्योंकि सिमेट्रिक है दोनों सेम यानी टू टाइम्स ऑफ जीरो टू वन वाई डी एक्स ओके तो वाई यानी एक्स इंटू एक्स पॉजिटिव लेना है ओके वाई डी एक्स तो यहाँ पे आप लिखोगे टू इंटू जीरो टू वन वाई की वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर लिखनी है और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई थ्री अप्लाई द लिमिट जीरो टू वन वी गेट टू इंटू वन बाई थ्री ओके तो आपको फाइनल आंसर यहाँ पर मिलेगा टू बाई

वाई इक्वल टू कॉस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स एंड वाई एक्सिस ओके तो यह आपके का पास का हुआ है और जीरो लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई बाई टू यानी फर्स्ट क्वार्टरेंट में हमको चेक करना है तो स्टूडेंट्स पहले तो दोनों का ग्राफ ड्रो करते हैं कॉस एक्स और साइन एक्स का हमको आता है कि साइन एंड कॉस का ग्राफ कैसे होता है ओके okay? पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे रेंज दोनों की माइनस वन टू वन यानी ये हो गया आपके पास वन और ये डिस्टेंस हुआ माइनस वन जीरो टू टू पाई ओके जीरो टू पाई बाई टू ओके तो ये सपोज वैल्यू आपके पास है पाई बाय टू ओके तो यानी जीरो टू पाई बाई टू की रेंज में ही आपको क्या करना है यहां पर ड्रॉ करना है बराबर जीरो टू टू। तो यहां पे आपके पास ये जो लाइन मिलेगी एक्स इक्व तो चलो साइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स तो वह तो ऐसे जाएगा ओके तो बट उस वक्त हमको यहाँ पे पाई बाय टू यानी यहाँ तक ग्राफ चाहिए तो ये सब आएगा नहीं तो जीरो टू जैसे जैसे पाई बाई टू जाएगा उसकी वैल्यू वन होगी तो ऐसे कॉ मिलेगा बल्कि कॉस्ट में क्या होगा ऐसे ग्राफ आपको मिलता है ओके तो उस वक्त आपको यहाँ से कॉस जीरो जीरो की वैल्यू आपको क्या मिलती है वन तो आपको आंसर मिलेगा वन वन से स्टार्ट करना है और आपको डिक्रीज करके कहाँ तक जाना है फाइव बाई टू तक जाना है ओके तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया अब ग्राफ कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमको रीजन फाइंड करना है कौन सा रीजन आएगा तो डिपेंड ऑन ऑन क्वेश्चन कॉस और, और साइन तो बाउंड्री में है और वाई एक्सिस भी है तो यहाँ पे वाई एक्सिस देख सकते हो ये रहा ओके तो ये जो रीजन मिलेगा आपको तो कौन सा रीजन मिलेगा आपको तो रीजन होगा आपके पास ये जो रीजन है वो आपका नहीं होगा। देखो, ये दोनों कव आ रहा है बट एक्स एक्सिस इंक्लूड हो रहा है ओके तो ये नहीं आएगा नाउ ये ये भी नहीं आएगा दोनों कव आ रहा है बट एक्स इक्वल टू तो पाई बाई टू लाइन आ रही है तो यानी आपके पास रिक्वायर्ड जो रीजन है वो सेडेड पोर्शन से आपने यहाँ पर नोट कर दिया नाउ तो व्हाट इज इंटरसेक्शन पॉइंट तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट में से आप देख सकते हो एक लाइन पास होगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख सकते हो साइन एंड कॉस दोनों की वैल्यू सेम आती है आपको मालूम है पाई बाई फोर पर तो ये जो वैल्यूज होगी वो क्या होगा एक्स इक्वस टू अदरवाइज आप दोनों को कंपेयर करो कि वाई इक्वल टू एंड वाई इज इक्वस कंपेयर करो तो दैट इज कॉस एक्स साइन एक्स डेट इज कॉस से डिवाइड कर दो डेट इज टेन एक्स इज इक्वल टू वन एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई फोर ओके एम सी क्यू है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो ये जो रीजन है आपके पास तो रीजन यानी एरिया इज इक्व टू लिमिट आएगी आपके पास जीरो टू फाइव बाय फोर ओके और कैसे कि दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो टू पाई बाय फोर तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स करेंगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा आपके पास साइन एक्स साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थर्ट इज प्लस ओके तो यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन की साइन हम कैंसिल कर देते हैं और लिमिट अप्लाई करेंगे जीरो टू पाई बाय फोर फर्स्ट अप्लाई करो फाई बाय फोर साइन पाई बाय फोर इज वन बाय रूट टू प्लस कॉस फाइव बाय फोर इज वन बाय रूट टू माइनस साइन जीरो इज जीरो एंड कॉस जीरो इज वन 1 2, 1 2, that is 2 times 1 आपको रिक्वायर रीजन मिला रूट टू माइनस वन एरिया मिला तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपके एक्सरसाइज एट विसोलेन एक्सरसाइज कम्प्लीट होती है और चैप्टर एट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है